कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह की अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद सियासत गर्मा चुकी है। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह का बयान काफी सनसनीखेज है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है, वहीं लक्ष्मण सिंह ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपने बयानों में दलीलों का भी जिक्र किया है। सुनिए कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के बयानों को पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। पहले भी उनका हमने एक बयान सुना जिसमें वो राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि कोई बड़े नेता नहीं है, सिर्फ सांसद ही है, आप उन्हें बड़ा नेता मत बनाओ। हम खुद उन्हें बड़ा नेता नहीं मानते, एक कार्यकर्ता मानते। अब उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो दिग्विजय सिंह को लेकर राज्यसभा सांसद के रूप में निशाना साध रहे हैं कि राज्यसभा सांसद के रूप में जो निधि दी है वो ऐसे क्षेत्रों में दी जहां से कांग्रेस की हार हुई है और सारे दलालों को, गद्दारों को सांसद प्रतिनिधि बना रखा है। इतना ही नहीं रुक रहे, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि बंटाधार क्यों कहा जाता है, उनको क्या कारण है उसके पीछे, उसकी भी वो व्याख्या कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अलग कांग्रेस से टूटकर लोगों ने नया दल बना के जिस प्रकार से सत्ता हासिल करी, मध्य प्रदेश में भी वो चुनौती दे रहे हैं कि वो ऐसा एक दल बना सकते हैं। तो उनका एक बयान बड़ा सनसनीखेज बयान है, लगातार हारने के बाद निशाना साध रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहां ईवीएम को लेकर वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान है।